हेलो गाइस, आज मैं आई हूँ आपकी ओरिफ्लेम की 3 नए प्रोडक्ट के साथ। ये नया तो नहीं है, बट मैं इसके बारे में आपको अपना रिव्यू देना चाहती थी। इसका मैं एमआरपी के साथ आपको इसको शो करना चाहती हूँ। ये आपका फाउंडेशन ब्रश है जो आपका 299 रुपीज़ का है। ये आपका कंसीलर लिप ब्रश है तो ये 199 रुपीज़ का है। और ये आपका है आप ब्लश ब्रश जो आपका मेकअप ब्लश ब्रश के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपका 279 रुपीज़ का है, देख सकते हैं आप। मैंने इसको यूज़ किया हुआ है तो इसके प्लास्टिक की कंडीशन आप देख सकते हो। तो मैं इसके यूज़ करके ही आपको बताती हूँ, जबकि आप जानते हो कि मैं बिना यूज़ किए कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बताती नहीं हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप इसकी फ्लफीनेस, ये देखिए। ये मैं ज़्यादातर आपका पाउडरी यूज़ करती हूँ, इस वजह से मैं इसमें से आपको पाउडर भी ज़्यादा उड़ते हुए दिख रहा होगा। ये देखिए, ये आपका ये हो गया। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रश है, क्योंकि मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट क्यों बना उसका रीज़न मैं बता रही हूँ। इसकी स्टेक, इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया कि आप देख सकते हो। आप देख सक रहे हो, बहुत बहुत अच्छी है। अगर आप फाउंडेशन के लिए एक अच्छा ब्रश चाहते हो तो ये देखिए, कट के साथ है ये। इसकी कट भी इतनी अच्छी है, फाइन है, कि आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और तीसरा, ये मुझे कम यूज़ होता है क्योंकि मैं ज़्यादातर लिपस्टिक पर्सन हूँ, तो डायरेक्ट लिपस्टिक ही यूज़ कर लेती हूँ। ये लिप कंसीलर ब्रश है, तो कंसीलर के लिए मुझे हमेशा हमेशा ये ब्रश अच्छी लगी है। देख सकते हैं इसकी शाइनिंग, इतना ग्लिटरी फिनिश है ना इसमें कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये लिप्स के लिए, तो ये ओरिफ्लेम के 3 ब्रश थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। आप अगर इसको ट्राई करना चाहो तो बेझिझक ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ये है ना, आपको कभी आपको ये प्रोडक्ट आपको कभी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। मैं आपको इसके लिए गारंटी दे सकती हूँ। ये मेरा 5 out of 5 ज़रूर बोल सकती मैं, क्योंकि ये मेरा बहुत पसंदीदा ब्रशेस में से आया है। क्योंकि मैंने इतने ब्रशेस यूज़ किए हैं ना, इसकी इसके जैसा मैंने टेक्सचर देखा, इसके जैसा मतलब, एक होता है ना कि आप यार कुछ यूज़ कर रहे हो तो आपके हाथ में भी अच्छा कुछ आना चाहिए, तो ये उनमें से एक है। तो आप इसको यूज़ करके बताइए और आप मुझे बताइए कि मैंने इसे सही रेटिंग दिया है कि नहीं दिया, और ज़रूर बताइएगा ज़रूर। और मैं आपकी फ्रेंड हमेशा आपके लिए नई नई रिव्यू लेके आऊँगी और अच्छे अच्छे बातें बताऊँगी। जो चीज़ नहीं खरीदनी मत खरीदना, और जो चीज़ खरीदनी है उसके बारे में सोच के खरीदना। मेरे ओरिफ्लेम के लिए आपको हमेशा बताऊँगी। थैंक यू, बाय।